गांव गांव के अंदर हाजिरी लगाऊं ताकि मन भी पता चले कि मेरा हौसला बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन मैं बाबा राम साहब पीर की शपथ गाय कहता हूं कि मेरा हौसला सातवें आसमान पर। डायलिसिस होती है, तीन तीन मशीनें हैं बीडीके में भी बोलिए जाके पता को लीजिए, तीन मशीनें हमारे नवनगर की। कम से कम मानो विश्वास तो है कि डॉक्टर राजकुमार 800 बच्चा ने तो लगा दिया और आने वाले टाइम पर 8000 की संख्या में पहुंचा होगा लोगों। अरे पूरा नवलगढ़ नहीं, जो भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उसको पता है कि नवलगढ़ वाले लोग बातें कुछ भी कर लो, लेकिन जो काम करेगा, विकास करेगा, जो सेवा करेगा, उसको आशीर्वाद देंगे, देते आए। डरे वो जिसकी नियत में खोट हो, डरे वो जो चोर हो। हम तो खुले आम बदरा के अंदर कहा था कि आप आओ और हमारे नवलगढ़ को 50 बीघा जमीन डोनेट करो। ये झूठे आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को जिस प्रकार से बाहर से नेताओं को बुला बुला के गालियां दिवाते हैं, आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आज वो 50 बीघा जमीन होती तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टरों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ये जो घूम रहे हैं 8-10 लोग, ये सिर्फ किसी के साथ जाके फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। हम तो जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का हमारे पास तमगा था, तब भी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे के ऊपर सीधे जाते थे। विकास कार्यों के बारे में उनसे पूछोगे, उनको बोलो कि आपका संकल्प क्या है, तो वो कहेंगे हमारा संकल्प। जो आदमी संकल्प नहीं बोल सकते, आप अंदाज लगाओ, नहीं ये तो आईडी से पूछ लेना कि आपका संकल्प बोल के बताओ भाई संकल्प क्या होता है, तो बोलेंगे संकल्प। बिजली विभाग में बहुत काम हुआ है, आईएन की डिमांड थी, कुमावास, मेनास, निवाई, ये सरपंच बैठे हैं, सरपंच जी बहुत सालों से डिमांड थी उनकी, आज आईएन ऑफिस स्वीकृत करके उनको तोहफा दे दिया है। अब क्या हो गया, आईएन ऑफिस होने से 8-10 गांव का अब सारा वहां चला गया लोड, मुकुंदगढ़ पर से कम हो गया, 25 गांव का अलग से आईएन ऑफिस हो गया और उनका उधर ही चला गया सारा सिस्टम। ये बात है इसलिए कि ये चीजें वो है जो बड़े काम है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपए आए हुए पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, अब उनको लगाएगा ये तो भला हो बाटी परिवार का, ये भला हो बाटी परिवार का कि बलवंतपुरा गांव के लोगों ने इनसे कहा, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए पानी की टंकी के लिए, हॉस्पिटल के लिए और गंदे पानी की निकासी के लिए तो लोग लठ लेके सिर फोड़ के रहे कुंड दे जमीन भी के लिए भी दान कर दे। अभी एसपी साहब बता रहे थे, प्यारेलाल जी भाई साहब जो गाड़ी में हम खड़े थे, ये भगत सिंह साहब बता रहे थे कि ये और थोड़ी सी कहीं पे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दयानंद सब बता रहे थे उस समय जब हम गए उद्घाटन करने के लिए। हॉस्पिटल कब बना था, 11 साल हो गए। जीएसएस कब बना था, ये उद्घाटन तो आप लोगों ने पहले कर लिए हैं, मतलब सिर्फ औपचारिकता निभा रहा हूं। सड़कें, अरे भाई जनता को काम आना शुरू हो जाता है, मैं उस दिन उद्घाटन मान लेता हूं। मैं कभी आज तक जैसे अभी कह बोले हैं सुभाष जी भी, एक्शन साहब बैठे हमारे, बहादुर सिंह जी मेघवाल सरपंच जी के पास में, मैं इनको बोलता हूं, मोरे कहते भाई साहब शिलान्यास करना, मैं गांव वाले से करा लो फटाफट से, तो रोड बनाओ ये गालेड़ो मुंगा में दूर से दिख जैसी, ये गालेड़ो मुंगा में दूर से दिख जैसी। अगर आज सड़क बन गई उद्घाटन तो आज के ना चालता कितना दिन होगा, क्यों भोजी, तो मन वैसे खुश हो जाता है लोगों का कि ना यह सड़क बन गई। ये तो एक सिर्फ सरकारी उपक्रम है कि भाई आप सबकी इच्छा रहती है, मेरी इच्छा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतने विकास के कार्य करवाए हैं, तो मैं एक बार वापस गांव गांव के अंदर हाजिरी लगाऊं ताकि मन भी पता चले कि मेरा हौसला बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन मैं बाबा राम साहब पीर की शपथ गाय कहता हूं कि मेरा हौसला सातवें आसमान पे, मेरा हौसला सातवें आसमान पे कि इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना लाड,
मजबूर करेगा, मेरा भविष्य में मुझे मजबूर करेगा कि मैं नवलगढ़ को और वो सौगाते लाके दूं जिसका मेरा नवलगढ़ हकदार है वर्षों से। आजादी के बाद से भीमराव अंबेडकर छात्रावास नहीं बनाता यहाँ पे, क्या समाज कल्याण का छात्रावास नहीं बनना चाहिए था? यशवाई सिंह जी पीआरओ साहब, आप तो इतने आप पीआरओ रहे हैं, इतने आजादी के बाद के अंदर नवलगढ़ 200 विधानसभाओं में एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे समाज कल्याण का छात्रावास नहीं था। आप सोचो, वो माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार की तरफ से रहना खाना पढ़ना फ्री है, तो वो सुविधा मेरे नवलगढ़ के लोगों को क्यों नहीं मिल रही? मुझे बताते हुए खुशी है कि आज एक नहीं दो दो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास बना दिए गए। आज पीजी कॉलेज है तीनों सब्जेक्ट, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो मैं चर्चा कर रहा था कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत है। बावर्जी गुरु जी अपन लोग गए थे, याद करो, अपन लोग गए थे उनके पास, स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी के पास में। जब अपन लाए थे हॉस्पिटल, हमने स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी से प्रार्थना करी कि साहब आप जमीन दे दो तो मैं यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दू। बड़ा दिल रखते हुए 10 बीघा जमीन दान करी उन्होंने मेन रोड पे, उसमें 10 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाया, जिसमें अभी सुभाष जी कह रहे थे 2500 से 3000 की ओपीडी है रोजाना। कितने ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे जाके देखिएगा, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पूरा पैनल है, 35 डॉक्टरों का। डायलिसिस होती है, 3-3 मशीनें हैं, बीडीके में भी कोनी है जाके पता कर लीजिए, 3 मशीनें हमारे नवलगढ़ के अंदर है। हरियाणा तक के पेशेंट आते हैं डायलिसिस कराने के लिए। भगवान करे किसी को बीमारी नहीं हो, लेकिन जिनके घर में किडनी पेशेंट है, 1 रुपया नहीं लगता, आओ अपना डायलिसिस कराओ और वापस जाओ। 1 महीने में 3-3, 4-4 डायलिसिस होती है, 1 बार 3000 रुपए 2000 रुपए लगते हैं अगर प्राइवेट में कराओगे। जिस गरीब आदमी के 2 रुपया खावा के लेगो नहीं, वो आदमी बनागा 12000 रुपए की डायलिसिस कठाओ करा लेगो। जरा वो क्या करेगो, आपका जीवन से तो सांस ही टूटेगी भी की अगर डायलिसिस टाइम पर नहीं हुई तो। ये चीजें नवलगढ़ में है। अब जो बीच में चर्चा चली थी, ये लोग जो 2 इश्यू उठाते हैं अभी, एक तो सीमेंट प्लांट में राजकुमार सर ने नौकरी लगा दे, भगवान तारी जुबान फड़ा हुआ है, भगवान बाकी जुबान फड़ा हुआ है, कम से कम मानो विश्वास तो है कि डॉक्टर राजकुमार 800 बच्चा ने तो लगा दिया और आने वाले टाइम पर 8000 की संख्या में पहुंचा होगा नौकरी का लोगों। ये ताकत है, और सिर्फ एमएलए बनने से नहीं है। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब भी आपके आशीर्वाद से, चाहे भिवाड़ी की फैक्ट्री हो, चाहे भिलाई की फैक्ट्री हो, चाहे सूरत की हो, आपका आशीर्वाद, इतना रिश्ते मैंने जीवन में इतने कमाए हैं कि आप दुबई भी फोन करके मेरे साथियों को कहोगे कि 3 लड़के भेज रहा हूं जिनको पता है जहां पे वो सर्विस लोग कर रहे हैं। कोरोना के अंदर दुबई के अंदर जहां जहां लड़के रहे उनके खाना पहुंचा है, टिकट पहुंची है, उनको भी सबको पता है, वहां भी लोग नौकरियां कर रहे हैं। कोई अपन कोई एमएलए की वजह से थोड़ी पहचान है, लोगों के काम आते हैं जब उनका काम पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जब चिकित्सा मंत्री बनने का अपने को सौभाग्य मिला तो एक बीकानेर का बहुत बड़ा उद्योगपति, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पिताजी के नाम से पीएससी बनाना चाहता हूँ, भवन बना के देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे एमएलए ने कहा कि पीएससी नहीं खुल सकती तेरे गाँव में। मैंने कहा दोस्ती निभाऊंगा, आप तो बिल्डिंग बनाओ, जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगी उसी दिन अनाउंसमेंट करके डॉक्टर उसमें बिठा दूंगा। आज उसके पिताजी के नाम से पीएससी है वो, अब आप बताओ उसकी फैक्ट्री के अंदर मेरे 20 लड़के सेट होंगे या नहीं होंगे? ऐसा उतारेगा ना अगला काम करो तो दिखेगा और लोग उतारेगा एहसान भी। तो ऐसे लोग है, तो फैक्ट्री के अंदर वो लोग कहते हैं चिंता मत करो, अभी फैक्ट्री स्टार्ट होने दो और उद्योग धंधे लाएंगे नवलगढ़ के अंदर और आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे बदराणे की, अब आप ये बताओ ईमानदारी से, उनसे कल परसों एक नेताजी आए थे, मैंने उनको मैसेज भी किया, एक स्पीच में भी कहा, मैंने कहा बाबा राम साहब पीर के सामने आपने बहुत बड़े मिथ्या वचन किए हैं, कम से कम बाबा राम साहब पीर से तो डरते, और इसलिए डरते कि डॉक्टर राजकुमार की सीधी सेटिंग है बाबा राम साहब पीर से। जैसे आप लोगों से है छत्तीस कौम से, आप लोग मेरी ताकत है और मैं आपकी ताकत हूं, आप मेरे और मैं आपका हूं, ये सच है। अरे पूरा नवलगढ़ नहीं,
जो भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उसको पता है कि लोलगढ़ वाले लोग बातें कुछ भी कर लो, लेकिन जो काम करेगा, विकास करेगा, जो सेवा करेगा, उसको आशीर्वाद देंगे, देते आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ और मंदिर पर चढ़कर शपथ पूर्वक कह दो कि ये जमीन गोचर भूमि है क्या, ये जमीन ट्रस्ट की जमीन है, चौधरी बद्री प्रसाद गोयन का ट्रस्ट की। इसमें पहले भी 7 बीघा जमीन बेच दी, वहां कॉलोनी कट गई, वहां कोई नहीं बोला, लेकिन मैंने आपके लिए उन ट्रस्ट वालों के सामने झोली फैलाई कि 50 बीघा जमीन दे दो लेवलगढ़ को, मैं वहां पे मिलिट्री कैंटीन बना दू, मैं वहां पे अच्छा पार्क बना दू, हॉस्पिटल बना दू, वहां पे पेंशन समाज का ऑफिस बना दू, अच्छा डॉक्टर्स का रेजिडेंस बना दू। मुझे कहते खुशी है, 5 भाई आए, उसी मदराना के अंदर मीटिंग हुई 2000 लोगों की उपस्थिति के अंदर, और वहां पे 5 भाइयों ने कहा कि 50 बीघा जमीन दान देंगे, बाकी मारी 50 ने मैं बेचा कुछ भी करा, लेकिन इको 1 रुपयो भी मैं घरा लेके कौन जाऊंगा, हमारे दादा के नाम पर हॉस्पिटल में 25 करोड़ रुपया लगाऊंगा। 25 करोड़ रुपया उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए, डरे वो जिसकी नियत में खोटो, डरे वो जो चोर हो। हम तो खुले आम मदराना के अंदर कहा था कि आप आओ और हमारे नवलगढ़ को 50 बीघा जमीन डोनेट करो। ये झूठे आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को जिस प्रकार से बाहर से नेताओं को बुला बुला के गालियां दिवाते हैं, आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आज वो 50 बीघा जमीन होती तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टरों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहां लगा वो 50 करोड़? पहली बात तो अपनी सरकार 100% आ रही है, लेकिन 1% मान लो नहीं आई, गारंटी के साथ करो ये 50 करोड़ रुपए है। पहले 6 महीने की समीक्षा मीटिंग में ही अपना बजट लेप्स कर देंगे ये लोग, ये 50 करोड़ रुपए 1 सेकंड में, क्योंकि ये जो घूम रहे 8-10 लोग ये सिर्फ किसी के साथ जाके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ये सरकार के अंदर सीधा हस्तक्षेप नहीं रख सकते। अब कोई आदमी कहे कि मैं एमएलए हूं मैं कर लूंगा, अरे एमएलए बनने से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं हो जाता। हम तो जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का हमारे पास तमगा था तब भी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे के ऊपर सीधे जाते थे, ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस था यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों द्वारा दिया हुआ, और आज आप लोगों का कॉन्फिडेंस है। मैं इतनी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव में 2.5 महीने में सिर्फ ये 2 बातें चलेंगी, और तीसरी जो बात चलेगी जो समाज के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, वो चलेगी जाति और धर्म की। विकास कार्यों के बारे में उनसे पूछोगे, उनको बोलो कि आपका संकल्प क्या है, तो वो कहेंगे हमारा संकल्प, जो आदमी संकल्प नहीं बोल सकते आप अंदाज लगाओ, नहीं है तो आईडी से पूछ लेना कि आपका संकल्प बोल के बताओ भाई संकल्प क्या होता है, तो बोलेंगे संकल्प। कारण किसी व्यक्ति को, अब मैं क्या ये ज्यादा बोल चौका तो फिर कहेंगे आप मत बोला करो, लेकिन तकलीफ होती है इस बात के लिए कि वो पीछे जो भवन, अब 50 करोड़ रुपए का काम अगर 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, अगर 6 तारीख तक शिलान्यास नहीं किया उनका, तो एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी वाले बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि आप जींद सिंह की रिपोर्ट दे दो, क्योंकि 10-12 साल पहले बनाए थे वो मकान भी, उसको भी कोर्ट में लगा के इनको नोटिस टिकवा दिया, कहे मकान टूटने नहीं चाहिए। अब आप ये बताओ जिस बिल्डिंग जो बनी हुई है उस पर 1 मंजिल और चढ़ा सकते हैं, वो 14 करोड़ रुपए पुरानी बिल्डिंग में लग रहे हैं सारी चीजों के, लेकिन बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो नहीं लग पा रहे। अगर आज हमारे पास होता जमीन होती बड़ी, तो वहां पे सुबह आप जाके देख रहे हो उस अस्पताल के बाहर खड़े रहने के लिए तिल की जगह भी नहीं होती है, वहां पार्किंग की जगह कहां से लाएंगे हम। ये नवल का आज अगर मान लो वो सेठ बेच के चला गया, इन्होंने कोर्ट में लटका दिया, किसके लिए? हॉस्पिटल नहीं बनेगा इसीलिए, बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर वो कल बेच के चला गया और वहां कॉलोनी कट गई तो मुन्नागारी देख बदल गयो, और जो लोग करे पशु मेला भरता था कौन इज्जतदार आदमी जाता था सबको पता है, और कौन इस समय पशु रखता है, कौन पशु रखता है और पशु मेला भरवा रहा है टोटपुरा का माए देखी जो कथा पशु लैसे देता। ये सिर्फ एक बदनाम करने के लिए, बदराना से मतलब नहीं था उनका। अब इनको नोटिस इसलिए टिकवाया है
कि आप जिन सिंह की रिपोर्ट बदल देते ना वो बिल्डिंग टूट जाएगी, तो 8 मंजिल हॉस्पिटल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, जिसमें लिफ्ट लगेगी, सारा काम होगा। ये बातें आपके सामने, ये प्रार्थना इसलिए कि चुनाव में 2-3 बातें आएंगी। पिछली बार का षड्यंत्र आप सबको पता है, इन लोगों ने राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने ढाल बनकर मेरी रक्षा करी, मेरे काम को और सेवा को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। बस मुझे एक ही बात करनी है कि मैं थारो हूं, थे मेरा हो, या अगला डायमना अब थे थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने संभाल जो, अब फिर संभाल जो तो एक काम बचपन वो आगे कर दूंगा मैं। विजन है मेरा नवलगढ़ के लिए अच्छा सा, उसी विजन के अनुसार आप मुझे लगातार जिताते जा रहे हो। मुझे पता है 5 साल में ये काम हो गया, अगले 5 साल में ये काम, अगले 5 साल में ये काम, एक साथ कुछ चीज नहीं हो सकती। आपको आज परशुरामपुरा में खेल स्टेडियम बन रहा है, थोड़े से दिन रुक जाओ, जब आपको मैं विजिट कराऊंगा देखोगे आप, तो आपको खुशी होगी कि ग्रामीण लेवल के ऊपर हमारे नवलगढ़ के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम हो सकता है क्या, जिसमें मल्टीपर्पज, यानी आप कोई सा भी स्पोर्ट्स आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना जबरदस्त, करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। आप जब भी जाओगे परशुरामपुरा रोड के ऊपर तो देख जो था नदी के ऊपर पहली बड़े डर लाग तो, और अब यह लागत जी अब मैं मान लगी हो ना बार जीएसएस में, तो भी सतवाल ने बोले यार मन तो तू कई बार रोक लिया कर, अलग ही पॉजिटिविटी आ रही, मतलब पॉजिटिविटी अलग आ रही थी कि आज भी शाम को अगर दिमाग भी परेशान हो ना तो हटिया के बैठ गया तो बालाजी महाराज बेबिन ठीक कर दे। ये आज के जमाने में जरूरी चीज की है, आज के जमाने में जरूरी चीज की है, अगर दिमाग आदमी का काम नहीं करे तो ऐसी शांति की जगह आके बैठ जाए। एक नवलगढ़ में सबसे अच्छी शांति की जगह थी लोहागढ़ जी किरोड़ी, बड़े मोबाइल फोन मिलता और मैं कई साल तक लगावन कौन दी हो, पांच अफगड़े गए मैं सही कर लगा, बोले भाई जी मारो व्यापार प्रभावित हो रहा है समझो। अरे मैंने कहा एक शांति की जगह यह है जैसे छुप जाओ आके ने कहते भाई मोबाइल गुजरे बोली लोहागढ़ जी मोबाइल मिल तो बनी पहली, लेकिन अब वहां क्योंकि उनका व्यापार बहुत आचार का अच्छा चल रहा है भगवान की दया से, तो मैंने कहा भाई अब हम और कोई जगह ढूंढ लेंगे, तुम आप तो लगवाओ टावर, वहां टावर लग गया। अब मैं मुझे सम्मान दिया मान दिया, आजीवन आपका ऋणी रहूंगा मैं पुणे भामाशाह परिवार को, रवि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे परिवार को। और देखो जमीनें मैंने सब यही रह जाएंगी, चर्चा जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक आज वो हॉस्पिटल हमारा सब सेंटर है, आज हमारा चेलासी के अंदर सब सेंटर है, वो समय भी आएगा जब पीएससी की सौगात भी मैं चेलासी ग्राम पंचायत को दूंगा, वो समय भी आएगा। 8वीं स्कूल हमारी हुई है, हमारी 8वीं स्कूल हुई है चेलासी ढेर, और एक फांडलों की डालू वाली जो सड़क थी वो जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 किलोमीटर वाली, हमारी रामराय की डाली वाली रोड शायद ये 26-27 तारीख को हो जाएगा, और ये आचार संहिता पहले ये रोड वो है जो हमने बहुत पहले स्वीकृत कर रखी, कभी अब मैं सोच लीजिए कि अब स्वीकृत कर रहे हैं, ये अब टेंडर प्रक्रिया में समय लगा तो बेग जी के टाइम हमारे पूछा बेगो भाई है गये यार, बेगो भाई तो लाग रहे मोटरसाइकिल को करवा मेरे साथ, तो वो रोड भी हो गई है, और गुरु जी सीधी मिश्रा वाली डाणी तक, मिश्रा डाणी का जो चौक है उसको भी बहुत सुंदर बनाएंगे। तो मैं क्योंकि अभी नवलड़ी का भी आपको पता है सर्किल का विस्तार चल रहा है, ये शानदार रोड अपनी बनी है, शानदार स्टेडियम बना है, आने वाले वक्त के अंदर मेरी तो यही प्रार्थना है सब लोग एक रहो। आज बलवंतपुरा चेलासी ग्राम पंचायत परसों भी एक जाजमपुर थी, आज भी एक जाजमपुर है, एक जाजमपुर। मैं हमेशा कहता हूं वोट मन का है लेकिन हौसला बहुत बड़ी बात होती है। आज ये खुड़को जो चेलासी वालों थे जो गांव गांव के मैं जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको खुड़को जयपुर तक होनी है दिल्ली तक है, आजकल दस एक दिन सुन रहे हो टिकट मांग रहे दस एक दिन बाद में छिपा होगी मेरे मन पटरों की टिकट मांग रहे भी, क्योंकि जनता सब आशीर्वाद है
आपका आशीर्वाद है, मंत्री बनूंगा तो लवलगढ़ को इतनी दुआएं मिलेगी पूरे राजस्थान में, आपका राजकुमार इतना काम करेगा जितना पहले चिकित्सा मंत्री के रूप में काम किया था। सब आपका आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद बनाए रखना।